हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो कैसे आप लोग हैं, कि आप लोग सब अच्छे होंगे। एंड अभी मैंने एक दिन से वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि एक दो दिन का गैप करके मैं डालती हूँ, क्योंकि मैं आपको वही बताना चाहती हूँ जो मतलब मेरे साथ हो रहा होता है। तो आज है 6 अप्रैल है, अप्रैल अभी जस्ट गया है, तो अप्रैल ही मुँह में आएगा। तो मैं स्टार्ट हो चुका है और दिल्ली में काफ़ी गर्मी है, देख सकते हो। अभी फैन जैसे मैंने ऑफ किया तो पसीना आने लग गया। एंड आज मेरा जो सुबह का रूटीन था, सेम 9 डेज से जो चला आ रहा है वही है। और आज मैंने पूरा 9 डेज कंप्लीट कर लिया है अपना वर्कआउट एंड साथ ही साथ डाइटिंग का भी। तो ऐसा नहीं है कि 9 दिन में मैंने कुछ नहीं खाया, 9 दिन में मैंने बीच में ऑयली चीज़ भी खाई है, और ऑयली चीज़ में मतलब मैंने नॉन वेज ही कुछ खाया है, एंड बाकी तो मेरा सब प्लेन ही खाना था। तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ देखने के लिए, और अपने आप को प्रूव भी करना चाहती हूँ। मतलब कल मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो 10 डेज़ का मुझे चैलेंज मिला था, मतलब मेरे हस्बैंड ने दिया था 10 डेज़ का चैलेंज कि उसमें आप कितना वेट घटा सकते हो। तो इससे मेरा पहले अभी 60 था, उससे कम ऊपर होते रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो 60 था एंड मैंने अच्छा से डाइटिंग किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, मैंने बहुत अच्छा से किया है। एंड आज मंडे है, तो मैंने सोचा मंडे को मैं बस लिक्विड डाइट पे ही रहूँगी, मतलब ओनली लिक्विड। जैसे दाल भी खाऊँगी तो लिक्विड होगा, और जूस वगैरह सब कुछ लिक्विड। तो मैंने सुबह चुकंदर का जूस पिया था, एंड उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद पानी वगैरह, मतलब बहुत सारा लेमन वेमन का पानी सब कुछ पिया। और आप पानी चाहो तो बहुत ज़्यादा पीना। एंड उसके बाद मैंने नाश्ता में मैंने खाया था, मतलब पिया था, सॉरी, बनाना का शेक बनाया था मैंने, हल्का सा आधा बनाना ही लिया था मैंने। एंड उसके साथ मैंने लिया था मिल्क, जो कि मिल्क मतलब दोनों को तो मैंने ग्राइंड कर लिया, बट उसमें मैंने एक ड्राई फ्रूट डाले थे, ड्राई फ्रूट्स अच्छा नहीं था तो मैंने निकाल दिया। बट अगर आप चाहो तो 2 ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, एक काजू डाल लेना और एक बादाम, मगर ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि काफ़ी लोगों को देखती हूँ स्मूदी बनाने टाइम पर बहुत सारा पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं उसमें। और मैंने नॉर्मली दोनों को ग्राइंड कर लिया, और मैंने इतना सा मिल्क लिया और पानी उसमें इतना ज़्यादा मिलाया, मतलब पानी ज़्यादा मिला के पी लूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो उससे मेरा पेट काफ़ी देर 2 बजे तक फुलफिल रहा, एंड 2 बजे मुझे थोड़ा सा भूख लगने लग गया, मतलब क्रेविंग सी होने लगी, इतना ज़्यादा भी भूख नहीं मगर होने लगे, क्रेविंग सी होने लगी। तो मैंने दाल बनाया था, जो कि वो भी लिक्विड में ही होगा, तो मैंने मिक्स दाल बनाई थी, चने और मूंग दाल सब मिक्स करके बनाया था। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हो, एंड बहुत मज़ा आया मुझे पी के। और अभी करीब बच रहा है 4 बज गया, मतलब 2 घंटे हो चुके हैं मुझे दाल पिए हुए। तो मैंने 1 लीटर पानी, उसके बाद 1 लीटर ख़त्म करे थे, अब ये दूसरा 1 लीटर में भर के लेके आई हूँ। और सुबह मैंने एक ऑलरेडी 1 लीटर पी चुका है, तो 3 लीटर मेरा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो जाएगा मतलब इसको पीने के बाद, तो उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। एंड अभी मैं जाऊँगी छाछ बनाऊँगी, छाछ पीऊँगी, 4 बज गया है तो मैं 4:30 बजे तक छाछ पी लूँगी। और इससे क्या रहेगा कि मेरा पेट ना फुल फिल रहेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे भूख लग रहा है, चाहे चक्कर आ रहा है। और मेरे लिए फास्ट मतलब ऐसे लिक्विड डाइट पे रहना ना इजी है, क्योंकि मैं ज़्यादातर फास्टिंग वगैरह करते रहती हूँ, पूजा वगैरह आता है तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उस टाइम में मैं चाय पे रहती हूँ, बट चाय मैंने बिल्कुल भी नहीं पिया है। और फ़ायदा क्या होगा जब मैं लिक्विड डाइट को छोड़ के जाके वहाँ पर चाय पीऊँगी, तो बिल्कुल नहीं। और मैंने 10 डेज बिल्कुल भी चीनी बिल्कुल नहीं खाया है, बिल्कुल मैंने चीनी को टच तक भी नहीं किया है, और ना ही मैंने चीनी वाली कोई चीज़ खाई है, जैसे कि कोई लस्सी वगैरह हो गया चीनी वाला, उसके बाद हो गया मिल्क, वो आता है ना अमूल कूल मिल्क हो गया, बट कस्टर्ड पाउडर, ये सब कुछ भी नहीं मैंने यूज़ किया है। और एक दिन मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया था, बस थोड़ा सा ही पिया था, इतना पिया था, एक ही दिन पी थी, बाकी मुझे नहीं पीना चाहिए था, मैं जो मैंने किया वो बता रही हूँ। और कल जाके मुझे चेक करना है अपना वेट, और रात को भी मैं दाल ही खाऊंगी। तो अगर आप लोग अगर मेरे सिचुएशन में हो तो आप लोग ज़रूर यूज़ करना, ये कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बॉडी क्लीन करता है हमारा, जो बॉडी होता है ना, जब हम लोग एक दिन के लिए ऐसे लिक्विड
पे रहते हैं या तो फास्टिंग पे रहते हैं ना, तो हमारा जो पेट है ना वो साफ होती है, और साथ साथ ब्लड जो कहते हैं वो भी, ब्लड जो रेसेस होती है हमारे उसमें गंदगी जम जाती है, वो सब भी साफ होता है। तो मैं इसलिए मैंने भी सोचा चलो कर लेती हूँ। एंड अब हमारा रिजल्ट आएगा कल, तो आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेगा कि मेरा वेट कम हुआ कि ठीक ठाक है। मतलब उतना पे है तो कोई बात नहीं, मगर उससे बढ़ना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी बढ़ जाता है, तो मैंने पूरा फॉलो किया। अब देखती हूँ, और साथ में साथ मेरा एक्सरसाइज वगैरह भी था, योगा भी था उसमें, बस वर्क नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ वर्क करने का जगह नहीं है और मैं बाहर जा नहीं पाती हूँ नीचे बहुत। मतलब सबका अलग अलग प्रॉब्लम है। तो कल एक्साइटेड हो? कौन कौन एक्साइटेड है मेरा वेट देखने के लिए? तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर उतना ही हुआ तो कोई बात नहीं, मैं उससे ज़्यादा और मेहनत करूँगी। अगर उससे कम हुआ है तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी कि और कम हो जाए मेरा। और मैं पानी वगैरह भी पी रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही करते रहना, जल्दी से जल्दी सब लोग ठीक हो जाएंगे। और वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके घर के पास पार्क वगैरह है तो फटाक से जाके कर लिया करो, हमारे घर के आसपास नहीं है इसलिए मैं नहीं जा पाती। वरना जाने का मुझे बहुत ज़्यादा मन करता है कि मैं थोड़ा सा बाहर जैसे गार्डन वगैरह में वॉक करूँ, योगा करूँ और एक्सरसाइज भी वहीं करूँ, बट नहीं हो पाता है। क्या करूँ, यहाँ पर मैं रह भी ऐसी जगह में रह रही हूँ। तो आप लोग जरूर ध्यान रखें, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वाले ब्लॉग में। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा लिक्विड डाइट, तो लिक्विड डाइट भी जरूर बताना और आप लोग भी फॉलो करना। और बाय बाय, लव यू, टेक केयर सभी को मेरे तरफ से, और मिलते हैं बस।